हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आने वाले 2 महीने का टाइम टेबल। जी हाँ, सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज किस तरीके से हमें पढ़ना है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइम टेबल है ये उनके लिए जिन्होंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एटलीस्ट एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एंड देन रिवीजन करना है, या फिर जो जिन्होंने एक ग्रुप क्लियर कर लिया है पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लिया है उनके लिए है। और एंड मैं आप लोगों से ये कहूँगा, जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है प्लीज़ वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप पर फोकस करें। मैं एडवाइस नहीं देना चाहूँगा कि आप लोग दोनों ग्रुप के लिए जाएँ, ठीक है। जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया वो एक ग्रुप के लिए ही जाएँ। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाए। थोड़ा सा रफली वे है बट आपको मैं समझा रहा हूँ, आप नोटबुक और पेन ले लीजिए। बहुत जल्दी में बनाया मैंने क्योंकि मैं आप लोगों का टाइम भी नहीं लेना चाहता। तो चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आपको डेली क्या करना है, 6 बजे उठना है, 6 to 7:30 आपको लॉ पढ़नी है। कुछ भी हो जाए लॉ पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। आप यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर यहाँ पर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं किसके साथ, ऑडिट के साथ, एसएम के साथ, थ्योरेटिकल अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास 3 ही चीजें हैं, लॉ, एसएम एंड ऑडिट। फुल्ली थ्योरी बेस्ड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर आप एक्सचेंज कर सकते हैं, मिनिमम 15 डेज का गैप ले सकते हैं। मान लीजिए सपोज आपने 20 दिन पढ़ लिए लॉ, देन फर्दर 10 डेज पढ़ लिया आपने ऑडिट या एसएम। बट यहाँ पर शेड्यूलिंग करना बहुत जरूरी है। या तो मैं ये कहूंगा या तो आप लॉ ही पढ़ते रहिए 6 से 7:30 में, लेकिन पढ़ना जरूर है, ओके ये बात ध्यान रखिए। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट का टाइम होगा 7:30 to 8, ओके। ब्रेकफास्ट आप जो भी फ्रेश होना चाहें, मान लीजिए इसको 8:30 कर लीजिए, वट एवर। बट अब जो शेड्यूल है वो होना चाहिए आपका 4 आवर्स फॉर ईच, 4-4 घंटे का शेड्यूल। इट मीन्स कम से कम 12 घंटे पढ़ना बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट जो है वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या करना है, टॉपिक सबसे पहले फर्स्ट जो डे है उसका बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, यहाँ पर आपको ये 3 टॉपिक क्लियर करने हैं, 3 टॉपिक इन 1 डे। उसके बाद सेकेंड डे पर आ जाते हैं। सेकेंड डे आपको क्या करना है, फाइनेंशियल अकाउंट, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट ही करना है। आपको देखना है किस तरीके से फाइनल अकाउंट बनता है, ये सारी बात है। उसमें कुछ थ्योरी भी है, वो सब कुछ भी देखना है। देन थर्ड डे आपको एनपीओ एंड सेल्फ बैलेंसिंग, एनपीओ करना है और सेल्फ बैलेंसिंग इसलिए लिया है मैंने बिकॉज ये 2 or 3 आवर्स का है जो कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2-3 आवर्स में ही। बहुत ही इजी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ एंड फिफ्थ डे क्या करना है आपको। फोर्थ एंड फिफ्थ डे में ही रॉयल्टी, हायर परचेज और सिंगल एंट्री, ये 3 टॉपिक आपको क्लियर करने हैं फोर्थ टू फिफ्थ डे। यानी कि आपके पास 4 और 5 2 दिन का टाइम है, 2 दिन के टाइम में आपको ये कंप्लीट कर लेना है। रॉयल्टी हो जाएगा इजिली, आई नो, ठीक है। हायर परचेज देख लेना है और सिंगल एंट्री, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 डेज मैंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट 6th डे में आपको क्या करना है, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल, और मैंने उसके साथ ऐड किया है कंप्यूटराइज, ओके। तो ये जो है आपको टॉपिक 6th डे में ही कंप्लीट करना है। फर्दर आपके पास 7th एंड 8th डे बचता है, उसमें आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कीजिए 2 दिन में, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पर अकाउंट्स के लिए फुल 10 डेज दिए हैं बिकॉज हमारे पास एक टॉपिक रह गया है पार्टनरशिप। जैसा कि मैंने अपने स्टडी प्लान में भी बताया हुआ है आप लोगों को कि क्या करना है, जो पार्टनरशिप है उसको लास्ट में देखना है, ठीक है। छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल छोड़ने के लिए, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है और इस तरीके से आपको कवर कर लेना है। यहाँ पर एक शायद इंश्योरेंस रह जाता है मुझे आई थिंक, तो वो भी मतलब इसलिए मैंने यहाँ पर बनाया गया है, ये शेड्यूल बनाया है 10 डेज का। मिनिमम 2-10 डेज में आपको अकाउंट्स पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेनी है एंड हो जाएगी, ट्रस्ट में हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही इतने हैं, जैसे ये है सिंगल एंट्री है, कितने टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 3-4-5-6 घंटे मोस्टली। रॉयल्टी कितने घंटे, 3 घंटे, खत्म, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज अभी आपने स्टार्ट किया है तो प्लीज
आप एक ही ग्रुप में जाइए, टेक योर टाइम, पूरे 2 महीने कीजिए, आराम से कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं टैक्स पर। टैक्स किस तरीके से कंप्लीट करना है, फर्स्ट डे आपको लेना है, सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड स्टडी मटेरियल लेना है आपको, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट लेने हैं और एग्रीकल्चर का है वो सारी बातें, सॉरी एग्रीकल्चर टोटल इनकम कंपटीशन है, ये सारी चीजें हैं। फर्स्ट डे में आपको बेसिक कंप्लीट करना है, देन सेकंड डे में आपको स्टडी नोट नंबर 3 एंड स्टडी नोट नंबर 4 कंप्लीट करना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आप देखेंगे, वो सेकंड डे कंप्लीट करना है। देन थर्ड डे, थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ में मैंने 3 और 4 दिन दिए हैं, 3 और 4 दिन कहने का मतलब है तीसरा दिन, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 दिन हो गए, फिर यहाँ तीसरा फर्दर, अगर टोटल देखा जाए तो 10 डेज यहाँ, 11, 12, 13, 14, ठीक है, इस तरीके से डेज काउंट करेंगे आप। तो 2 दिन दिए मैंने सैलरी के लिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो इससे आपको कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाएंगे और एक फुल फ्लैश क्वेश्चन सैलरी का कर पाएंगे, ठीक है। देन फिफ्थ डे आपको करना है एचपी विद सेट ऑफ। मैंने क्यों कहा है यहाँ पर एचपी विद सेट ऑफ करना है, क्योंकि एचपी जो कॉन्सेप्ट है मिनिमम 6 आवर्स में आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, एचपी अगर आप करना चाहे तो ये काफी सफिशियंट टाइम होगा 6 आवर्स का, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा टॉपिक को ऐड कर दिया है और उसके लिए भी पूरा 1 दिन दे दिया है मैंने, ठीक। नेक्स्ट डे हमारे पास 6th, 7th, 8th, 3 दिन दिए हैं मैंने पीजीपी को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो 3 दिन मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, आप यहाँ पे 4 दिन भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 9 और 10 डेज देने आपको कैपिटल गेन को, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन फर्दर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 11, 12, 13 ये 3 दिन जो है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट IOS डिडक्शन इन सबको मर्ज किया हुआ है, 13 स्टडी नोट नंबर, 14, 15, 16, फिर 17, 18, 19, 20 इन सबको मर्ज किया हुआ है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे में हो जाएंगे क्लियर, ठीक है, अगर आप 12 आवर्स का टाइम टेबल लेकर चलते हो तो, ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर टैक्स के लिए 15 डेज मेंशन कर रखे हैं, मैक्सिमम 15 डेज में आपको क्या करना है, ये कंप्लीट करना है, तो अकाउंट्स और टैक्स को मिलाकर हमारे पास 25 डेज हो जाते हैं टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से, अभी हमने कवर कर लिए हैं, कहने का मतलब 3 सब्जेक्ट कौन कौन से, लॉ, अकाउंट, टैक्स। लॉ का मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, लॉ अगर देखिए 1.5 घंटा पढ़ते हैं आप सफिशियंट होगा, और वो भी आप अगर पूरे 2 महीने कंटिन्यूसली पढ़ते गए तो बहुत, ये तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, वैसे 1 महीने में ऑलमोस्ट खत्म कर दोगे आप इसे, 20 डेज में भी कर सकते हो, ठीक है, तो इसलिए मैंने लॉ के लिए कोई शेड्यूल नहीं बनाया है, इस मेन मेन जो चीजें हैं वो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, 25 डेज ये हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट है हमारे पास 5, 6, 7 हो गया हमारा ये, 8 कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के लिए देखिए मैंने क्या किया हुआ है, कॉस्टिंग ये रहा हमारा कॉस्टिंग पेपर नंबर 8 जो है, मैंने क्या किया हुआ है, स्टडी नोट नंबर 6 जो आपका 3 डेज, यानी कि आपको क्या करनी है कॉस्टिंग में 3 डेज लगाने हैं मोस्टली। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, 8 डेज, विदिन 8 डेज आपका कॉस्टिंग फुल फ्लैश बिल्कुल प्रैक्टिस अच्छे से खत्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, मटेरियल जो है या फिर लेबर है, ओवरहेड है, उनको 3 दिन में खत्म कर लेना है, बचे हुए 5 दिन में आपको प्रोसेस है, जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट है, ऑपरेशन है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं, ठीक है, किसी में 10 होंगे, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन होंगे, तो अगर आप इन्हें करने बैठोगे तो 3-4 आवर्स में कंप्लीट कर लोगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने कॉस्टिंग के लिए 8 डेज मेंशन कर रखा है, तो अब मैं देखूँ यहाँ पर मेरे पास कितने डेज हो गए, 25 प्लस 8, मेरे पास 33 डेज हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास OM एंड SM, तो मैं SM के लिए बता दूँ, SM के लिए देखिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए ज्यादा टाइम नहीं, बिल्कुल अगर आप देना चाहते हैं तो पूरा 2 दिन टाइम दे दीजिए, 3-3 टाइम दे दीजिए,
ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ मर्ज करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, लॉ पढ़ लीजिए एक दिन, फिर एक दिन एसएम पढ़ लीजिए, फिर लॉ पढ़ लीजिए, फिर एसएम पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद या तो ऑडिट भी मिक्स कर सकते हो आप, तो यहाँ ये शेड्यूल कर सकते हो आप, ठीक है। तो एसएम की बात करूँ तो एसएम 2 दिन का है, ख़त्म हो जाएगा। एक बार पढ़ लोगे आप, थोरोली पढ़ लोगे बुक से, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और मैं नोट्स तो दे ही रहा हूँ मेरे वीडियो के थ्रू, और जो भी ग्रुप में ऐड है उनको नोट्स मैं प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। ना ओएम की बात करें तो मैक्सिमम मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया भी था, 100 अराउंड क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स फॉर्म में, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 आवर्स का टाइम लेते हैं। फिर भी मैंने वहाँ पर यहाँ पर 3 डेज, 2 टू 3 डेज का टाइम दिया है कि ओएम आप फुल फ्लैश खत्म कर सकते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि 5 डेज, 5 टू 6 डेज, चलिए 1 वीक भी अगर आप ले लेते हैं तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओएम आपका कंप्लीट हो जाएगा। न्यूमेरिकल मैं आपको वेज बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थ्योरेटिकल पर जाएंगे, ठीक है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है। न्यूमेरिकल्स करने के बाद या तो डायरेक्ट आप एसएम पे जाएं, ओएम की थ्योरी को बाद में करें, ऐसा हो सकता है। 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, यानी कि न्यूमेरिकल ओएम के न्यूमेरिकल्स, ठीक है, एंड देन ओ एसएम के, एसएम का थ्योरी पढ़ना है, फिर ओएम के थ्योरी पर आना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने टाइम आपको 5 डेज का दिया है। 5 डेज बहुत ही ज्यादा, मतलब सफिशियंट है, हो जाएगा आराम से। क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसएम को मैंने ऊपर कवर कर लिया 6 टू 7:30 के शेड्यूल में, ठीक है। तो अगर मैं ये 5 डेज लेता हूँ तो मेरे पास आ जाते हैं टोटल कितने डेज, 39 डेज, ओके। अब 9 के बाद आती है 10 पर, 10 यानी कि कहने का मतलब ये है कॉस्ट एंड एफएम पर। कॉस्ट एंड एफएम सेकंड और थ्री अगर आप करते हैं तो ये एक दिन में हो जाएगा। स्टडी नोट नंबर सेकंड और थ्री की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 4 और 5 एक दिन में हो जाएगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 3 डेज ले सकते हैं यहाँ पे बस। स्टडी नोट नंबर 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बजट देखिए, बजट है हमारा ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे का है, हो ही जाएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी 3 से 4 घंटे में हो जाएगा। तो 1 घंटे में आप जब 2 टॉपिक कवर कर रहे हैं तो 2 दिन में तो मैक्सिमम मैक्सिमम कवर हो ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर भी मैंने 3 डेज ले लिया है। आते हैं एफएम पर। एफएम पर आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टडी नोट नंबर 9 लेना है, स्टडी नोट नंबर 8 के कुछ टॉपिक्स लेने हैं, ठीक है। स्टडी नोट नंबर 8, 9 तो करना ही करना है, जो कि हमारे जैसे लिवरेज वगैरह है, ये छोटे छोटे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में इजी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन से अगर वो आप करते हैं तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए मैंने 1 डे का टाइम दिया हुआ है, और स्टडी नोट नंबर जो 8 है उसमें कुछ टॉपिक्स को लीजिए, टॉपिक्स कीजिए, जैसे वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल निकालना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आपको वहां से चूज करने हैं। आप सेपरेट कर लो ना, सेग्रीगेट कर लो, ये नहीं कि आपको कंबाइंड पूरा, अच्छा कैपिटल बजटिंग पढ़ना है तो आज कैपिटल बजटिंग ही पढ़ना है। तो कैपिटल बजटिंग पढ़ने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज हैं उसमें पढ़ने के लिए, डिफरेंट मैथड्स हैं उसमें पढ़ने के लिए, रिप्लेसमेंट मैथड है और भी मैथड है, तो ये सारी हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ उसको आप सेपरेट कर दो कि आज मुझे इस मैथड के क्वेश्चन करने हैं, आज मुझे नेट प्रॉफिट वाला मैथड करना है, एनपीवी करना है, तो ये सब, तो इस तरीके से आप अलग अगर टॉपिक चूज करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। इससे आपको कॉन्सेप्ट के क्लैरिफाइड भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, अगर पर्टिकुलर आप अगर कोई भी टॉपिक लेकर चलते हैं तो। तो एफएम यहाँ पर मैंने 1 डे का इसको टाइम दिया है, देन स्टडी नोट नंबर 7 है हमारा 1 डे, एंड टोटल ऑल ओवर जो है यहाँ पर मैंने इसको टाइम दिया 7 डेज का, कॉस्टिंग एंड एफएम को मिलाकर 3 डेज यहाँ और 4 डेज यहाँ। तो कॉस्टिंग एंड एफएम हो जाता है हमारा 1 वीक में। अब मैं देखूँ यहाँ पर 39 प्लस 7 कितना हो जाता है, 46 डेज, ओके। अब आते हैं हम आईडीटी पर। आईडीटी में आपको देखिए मैंने 1 वीक का बनाया हुआ है शेड्यूल, और बहुत ही सिंपल है, कस्टम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आवर्स 6 आवर्स बिल्कुल कंप्लीट खत्म। मैंने अपनी वीडियो में भी पढ़ाकर भी समझाया हुआ है, न्यूमेरिकल्स करके भी दिखवाए हैं और पेपर एनालिसिस भी करके बताया हुआ है, ठीक है। तो कस्टम बिल्कुल ही, और स्कोरिंग है काफ़ी ज़्यादा इजी भी है और स्कोरिंग भी है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है 1 मार्क्स भी इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक। तो
10 से 15 मार्क्स कस्टम में कहीं नहीं गए हैं, तो आपको 6 to 3 आवर्स में इतना मिल रहा है, तो क्या क्या बुरा है, ठीक है। और एक बात और यहाँ पर देख लीजिए, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप बोध ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 200 मार्क्स के MCQs ही MCQs हैं, मिनिमम 25 मार्क्स के MCQs आते ही आते हैं। तो यहाँ से मैं बता दूं आपको कि अगर आप टॉपिक वाइज करते हैं तो आपके MCQs भी क्या होते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो कस्टम यहाँ पर मैं सबसे पहले कस्टम को लूंगा, फिर उसके बाद अदर्स जो बचे हुए हैं उनके लिए आप प्रिपेयर करते हो, तो ये सारे 7 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सप्लाई है, रजिस्ट्रेशन है, ITC है, ये फिर उसके बाद जो गिने चुने ही तो टॉपिक GST के एक टॉपिक ही रह जाते हैं अगर देखा जाए तो मोस्टली, तो आप ये 7 डेज सफिशेंट होगा, 7 डेज में आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। GST का यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी, तो मैंने यहाँ 7 डेज कर दिए हैं, तो 7 डेज हमारे पास 53 डेज हो गए हैं, अभी भी हमारे पास 7 डेज बचे हैं। अब आ जाते हैं हम लास्ट पेपर हमारा कंपनी अकाउंट। मैं ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑडिट को आप यहाँ शेड्यूल कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑडिट को आप यहाँ शेड्यूल कीजिए, हो जाएगा, कोई ज़्यादा इतना मतलब ह्यूज सिलेबस नहीं है जिससे कि आप घबरा रहे हो, 50% है, ओब्वियसली 50% है, इस शेड्यूल में 6 to 7:30 में डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, नहीं होता है एक दो दिन टाइम दे दो, 3 दिन का टाइम दे दो, ठीक। फिर उसके बाद अब बचता है हमारा कंपनी अकाउंट, कंपनी अकाउंट में इतना ह्यूज सिलेबस है नहीं, 50% का गिने चुने कॉन्सेप्ट है, वो आपको लेकर चलना है, जो बचा हुआ टाइम है अभी भी हमारे पास 1 वीक बचा हुआ है, 2 मंथ्स में 1 वीक में आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं, अगर ये आपको सही लग रहा है तो इस तरीके से भी शेड्यूल कर सकते हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे आप तो डेफिनेटली हर एक चीज आपको यही लगेगा कि हाँ हर एक जो टॉपिक है वो 6 से 7 से 8 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये शेड्यूल जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आपको नहीं कुछ भी फिर भी डाउट होता है तो आप कमेंट में या फिर मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, आप कॉन्टैक्ट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉमेंट कीजिए आप और लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।